जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान एवं महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में अम्बेडकर चौक स्थित भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। इन्होंने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर संविधान की रचना की। संविधान के तहत शोषित वंचितों के लिए उनकी आवाज को बुलंद किए, जिससे संविधान के तहत शोषित वंचितों को उनका अधिकार आज मिल रहा है। सभी को समानता से जीने का अधिकार संविधान के तहत मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्रित्व काल में भारत के संविधान की रचना की। उन्होंने एक मजबूत और सशक्त, सभी को न्याय देने वाला, सभी को समानता देने वाला, बिना भेदभाव के संविधान की रचना की। वे देश के प्रथम कानून मंत्री भी बने। ऐसे महान संविधान शिल्पकार के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी आज के दिन संकल्पित होती है। इनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद, राकेश राम त्रिपाठी, धर्मराज चौहान, नवीन सिन्हा, तौकीर आलम, अनुराग पांडे, देवेंद्र निषाद, धनुष गब्बूलाल प्रजापति, राजीव कुमार सिंह, अशोक निषाद, प्रमोद निषाद, निर्मला गुप्ता, अविनाश त्रिपाठी, कात्यायनी मिश्रा, ध्रुव चंद्र पासवान, परवेज अख्तर, राजकुमार यादव, चंद्रशेखर यादव, हरीश चंद्र गुप्ता सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और इसमें हम जिला और महानगर दोनों के तत्वाधान में बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम बाबा साहब के संविधान पर बनाए हुए रास्ते पर आज के युवाओं को चलने के लिए प्रेरित करेंगे। बाबा साहब के संविधान पर यदि कोई आँच आएगी तो उससे हम लड़ने का भी काम करेंगे। जैसे कि बीजेपी सरकार बाबा साहब के संविधान को भी बदलना चाहती है, लेकिन हम बदलने ही नहीं देंगे। बाबा साहब के हर नियमों को, हर कानूनों को हम उनको ले करके चलेंगे। देश का संविधान, देश का रचयिता हमारे बाबा साहब के चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन करते हुए मैं जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर, क्या कहेंगे बाबा साहब ने जो हमारा संविधान बनाया, जिसमें हम लोगों को चलने का अधिकार दिया, छुआछूत की भावनाओं को खत्म किया, आज बाबा साहब ने तमाम परिस्थितियों को हटाकर संविधान लागू किया जिससे हमें समानता का अधिकार मिला और स्वतंत्रता का अधिकार मिला। ऐसे बाबा साहब को हम कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं।